22 दिन तो लगातार पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग के बाहर सिख इतिहास के किताबों लैके छेड़छाड़ के मामले में लैके जिहड़ा कि धरना लगातार चल रहा अज सूबा पद्धरी धरना जिहड़ा कि दिता जा रहा किसान वीर पहुंचे हुए हैं बलदेव सिंह सिरसा इतने पहुंचे हुए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल साढ़े मौजूद हैं डल्लेवाल साहब किस तरह वेखते हो पिछले 22 दिन तो लगातार धरना दिता जा रहा सिख इतिहास में किताबों छेड़छाड़ हुई है सिख इतिहास में छेड़छाड़ असल इनू यह गल एक बहुत लंबी साजिश है आ जिहड़े खिते च असीं बैठे हैं इस खिते दे उत्ते जिहड़े लोगों की अख लगी हुई है कि इहनू किवें ना किवें हथियाउणा असीं उन्हां लोगों ने लंबी साजिश रची है और साडा देखो इतिहास एक ऐसी चीज़ हुंदा है इतिहास सानू सीध दिंदा है कि असीं की करना है जिवें साडे गुरुआं की हिस्टरी है जेकर असीं गुरुआं की हिस्टरी का साडे ते प्रभाव ना हुंदा ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 92% ਸਾਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਾ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੱਕ कुछ ही साजिश है जिदे ते असी मैं कहूँगा वाहेगुरु की रहमत है कि समय सिर हजे भी क्योंकि समा सिर तो नहीं मैं कह सकता बहुत चिर तो साजिश है पर लोग जाग पे ने किसने रची है सूबा सरकार ने रची या केंद्र सरकार देखो मैं तो यह कहूँगा साजिशा कदे हमेशा एजेंसियां रचदिया ने नोट करो एजेंसी जी साजिश की साढ़े किने मंगिया सरकार तो या इस बोर्ड तो कि 8वीं तक बच्चे फेल ना करो जी मंगया किसी ने इन्होंने कादे अज तक फरमान जारी करता भी 8वीं तक बच्चे नहीं फेल करने वो सिर्फ थल्यों एजुकेशन दियाँ जड़ा कुतरन वास्ते वो एक स्टैप चक्या गया सो इस करके ये जिहड़े जिहड़े लोगों ने जिहड़े जिहड़े लोग जिम्मेवार ने अगर उन्होंने खिलाफ ईमानदारी नाल कार्रवाई होएगी तो मैनू लगता है असी साजिश रचता तक पहुँच जाएंगे जेकर गल की जाए प्रदर्शन लैके प्रदर्शन किया जा रहा 22 दिन तो लगातार धरना दिता जा रहा सिक्ख्या मंत्री कहते हैं कि 5 तरीक तक जी कि जांच पूरी करके जांच मुकम्मल करके 5 तरीक नूं रिपोर्ट पेश की जाए कि इतिहास नाल कि छेड़छाड़ चलो मैं एक बेनती करदा सिक्ख्या मंत्री जी नूं 5 साल उन्हें राज कर लिया इत्थे रहे ने ना अज लोगों ने सड़क पर बैठे आके लोग अंदोलन कर रहे ने फिर सिक्ख्या मंत्री दी अखा खुलियां है इट मीनज के सिक्ख्या मंत्री नूं इन्ना भी नहीं पता कि जो मैं अपने बच्चों पढ़न वास्ते दे रहा है कि यह ठीक है कि यह जायज है कि ये कमियां ने तो कदा सिक्ख्या मंत्री है वो अपने आप को अजे भी सिक्ख्या मंत्री कहा रहा है जिहड़ा सिक्ख्या देन दे विच इस गल ते भी इन्ना भी काबिल नहीं कि उन्हें पता ही नहीं मेरे बच्चे की पढ़ रहे हैं वो कदा सिक्ख्या मंत्री है जी होवेगा हुण धरने दे नाल देखो मसले हमेशा रोड ते आए लोग ही हल कराउंदे ने अगे रोड ते बैठे हाँ 3 कू रद्द करा के आए हाँ अज इत्थे बैठांगे तो मसला हल करावांगे आखरी सवाल है जिस तरह शंभू की गल की जाए सिंघू की गल की जाए टिकरी की गल की जाए गाजीपुर की गल की जाए अंदोलन चलिया से अं ट्रालियां भर भर के ट्रालियां गई सर असं वेख रहे हैं ट्रालियां हुण भी लगनियां शुरू हो गई जे लोड़ पई तो उस तरह जिहड़ा कि अंदोलन शुरू किया जाऊगा ये अंदोलन है ना जिहड़ा ये अंदोलन है ये अंदोलन ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਮਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇਜ਼ ਰਹੇ ਤਿੱਖੀ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਘੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਲਿਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ।